प्यारे दोस्तों, सपना नगर नाम की एक गांव में पिंकी नाम की एक लड़की रहती थी। पिंकी की माँ एक जादूगरनी थी। कुछ अरसे के बाद उसकी माँ उसकी शादी तय कर देती है। विदाई के समय पिंकी की माँ जादू नगरी से एक जादू का बेड मंगवाती है और उसे जहेज में दे देती है। एक दिन पिंकी का पति उससे कहता है, पिंकी, आज शाम मेरे कुछ दोस्त खाने पर आ रहे हैं, तुम उनके लिए कुछ बढ़िया सा खाना बना कर रख लेना। इतना कहकर विशन तो वहाँ से चला जाता है, लेकिन खाने की बात सुनकर पिंकी घबरा जाती है, क्योंकि पिंकी को तो खाना बनाना ही नहीं आता था। वो सोचती है, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? जब मेरे पति के दोस्तों को पता चलेगा कि मुझे तो खाना बनाना ही नहीं आता, तो वो तो मेरे पति को मजाक करेंगे। तभी पिंकी के कमरे में रखा हुआ जादुई बेड बोलता है और कहता है, प्यारे पिंकी, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं अपनी जादुई शक्ति से बहुत ही अच्छा बहुत सारा खाना बना सकता हूँ। ओह मेरे प्यारे जादुई बेड, क्या तुम बहुत ही अच्छा खाना बना सकते हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं एक जादुई बेड हूँ, मैं दुनिया का कोई भी काम बड़ी आसानी से कर सकता हूँ। और जादुई बेड से बहुत सारा मजे मजे का खाना बाहर निकलता है। शाम को वही खाना पिंकी अपने पति के दोस्तों को खिला देती है। मिशन के सभी दोस्त ये खाना खाकर बहुत खुश होते हैं और उसकी तारीफ करने लगते हैं। सच में भाभी जी, आपके हाथों में तो अन्नपूर्णा का वास है, मैंने तो जिंदगी में ऐसा खाना पहली बार खाया है। पत्नी की तारीफ सुनकर मिशन बहुत खुश होता है। एक दिन पिंकी घर में बैठी टीवी पर कुछ ड्रामा देख रही होती है कि उसे पड़ोस से किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। पिंकी देखती है तो उसकी पड़ोसन तुलसी का पति उसको मार रहा था। ए तुलसी, जल्दी से मुझे शराब पीने के लिए कुछ पैसे दे, वरना मैं तेरी हड्डियां तोड़ दूंगा। देखो, मेरे पास अब इतने पैसे नहीं है, जो पैसा आता है वो तुम शराब पीकर तो उड़ा देते हो, आखिर मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊं? अरे मैं कुछ नहीं जानता, जा लोगों के घरों में जाकर झाड़ू पोछा कर और मेरे लिए पैसे लेकर आओ। पति की ये बातें सुनकर तुलसी रोने लगती है। अरे ये तुलसी का पति तो बहुत सालिम है, मुझे इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। पिंकी फौरन अपने जादुई बेड के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है। मैं इस बेवकूफ का अभी सारा नशा उतारकर इसको दुरुस्त करता हूँ। उसी वक्त जादुई बेड से एक डंडा निकलता है और तुलसी के पति की खूब पिटाई करता है। अरे अरे, कोई मुझे बचाओ, ये डंडा मुझे क्यों मार रहा है? तो डंडे से एक आवाज आती है, अरे मूरख, शराब पीकर अपनी पत्नी को मारता है, अब मैं तुझे बताता हूँ। अरे अरे नहीं 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 नहीं, डंडा साहब मुझे छोड़ दो, आज के बाद मैं शराब पीना छोड़ दूंगा, मैं अपनी पत्नी को भी कभी नहीं मारूंगा, मुझे माफ कर दो, मेरी और पिटाई ना करो। ठीक है, अब की बार तो मैं तुझे छोड़ रहा हूँ, अपनी पत्नी के पैरों में गिर कर माफी मांग। तुलसी का पति उसके पाँव में गिरकर उसे माफी मांग लेता है और तुरंत ही वो डंडा वहां से गायब हो जाता है। ये सब देख पिंकी बहुत खुश होती है, लेकिन वो सोचती है कि इस शराब की वजह से बहुत सारे घरों में औरतों के साथ नाइंसाफी हो रही है, तो इसका इलाज तो सबसे पहले शराब की दुकान को बंद करवाना होगा। ये सोचकर पिंकी दोबारा से जादुई बेड के पास आती है और उससे कहती है, सुनो मेरे प्यारे जादुई बेड, मैं चाहती हूँ कि तुम इस इलाके की शराब की तमाम दुकानों को जलाकर राख कर दो, ताकि लोग शराब पीना बंद कर दें। अरे बेटी, तुमने बहुत अच्छी बात कही, तुम बिल्कुल परेशान ना हो, अब तुम जैसा कहती हो वही होगा। इतना कहते ही जादुई बेड में से आग का ही गोला बाहर निकलता है और हवा में उड़ता हुआ सीधा जाकर शराब की दुकान में गिरता है। इससे दुकान में आग लग जाती है और देखते ही देखते सारी दुकान आग से जलकर राख हो जाती है। तो अब क्या था दोस्तों, कान खत्म तो शराब का कारोबार खत्म।
इस इलाके में शराब बिकना बंद हो जाती है और इलाके की सारी औरतें इस बात पर बहुत खुश होती हैं। इस तरह से पिंकी अपने जादुई बेड की मदद से बहुत से लोगों की बहुत मदद किया करती थी। तो दोस्तों, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ये जरूर बताइएगा कि हमें भी किसी लालच के बगैर किसी की मदद करनी चाहिए या नहीं। आपको आज की कहानी कैसी लगी? और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, जरूर लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।